हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे पोहा। बहुत टेस्टी बनता है। पोहा भिगो दिया मैंने साफ़ करके। 1 स्पून मूंगफली है, थोड़ी मटर है, 2 हरी मिर्च है, थोड़ा अदरक है। ये प्याज में बारीक काट लेंगे। अदरक कद्दूकस कर लिया, हरी मिर्च काट ली है, थोड़ी पनीर है। ये पोहा हमने छान लिया है पानी से। तेल गरम कर लेंगे। 1/2 स्पून राई डालेंगे, 1/2 स्पून जीरा डालेंगे, 1/2 स्पून हरी मिर्च अदरक और प्याज डाल देंगे। थोड़ा भूनेंगे इसको। आप इसको बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनती है। आप इसमें पनीर और मटर डाल देंगे, मूंगफली डाल देंगे। इसी में ही इसको पकाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब मटर को थोड़ा पकने देंगे, ढक देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे हम लोग इसको। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको ढक के थोड़ा पकने देंगे हम लोग और बीच बीच में चलाते रहिएगा। अब इसी में पोहा डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे पोहा को। लो फ्लेम पे पोहा को पकने देंगे थोड़ी देर, बीच बीच चलाते रहेंगे। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे। देखिए हमारा पोहा कितना अच्छा बना है। हाफ लेमन नींबू का रस डाल देंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग। हमारा पोहा तैयार हो गया। गैस बंद कर देंगे।